नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडिया सऊदी अरेबिया के बीच में क्या क्या संबंध है, डिप्लोमेटिक हो गए, पॉलिटिकल हो गए, स्ट्रेटेजिक हो गए, डिफेंस रिलेशंस क्या क्या है। तो कंप्लीट ये इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है। ये वीडियो क्यों देखना जरूरी है, क्योंकि अभी जो है मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी अरेबिया के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के वाइस प्रेसिडेंट है प्लस वहां के डिफेंस मिनिस्टर है, उनकी विजिट हुई है इंडिया में। पहले पाकिस्तान में हुई थी, फिर इंडिया में हुई है दो दिन की। तो पांच तरीके के जो है एग्रीमेंट पे साइन किए गए हैं। तो ये करंट अफेयर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये यूपीएससी और यूपीपीएससी के लिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम के लिए। हिस्ट्री से लेके अभी तक क्या क्या रिलेशन रहे हैं, क्यों सऊदी अरबिया जो है वो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया क्यों सऊदी अरबिया के लिए इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन के जवाब इसमें देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं ब्रीफ समरी बता देता हूं। देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल रिलेशन देखें, एकदम हिस्ट्री से उठा के देखें, तो अरब ट्रेडर्स वो पहले लोग थे जो इंडिया में स्पाइस का ट्रेड करते थे, और सबसे उन्होंने पूरी मोनोपोली बना के रखी थी, मतलब पूरा एकदम एकाधिकार था उनका, जब तक ब्रिटिशर्स या फिर यूरोपियंस जो नहीं आए थे। तो हिस्ट्री वहां से चालू होती है। उसके बाद फिर 1947 में जब इंडिया आजाद हो गया, तब इंडिया ने डिप्लोमेटिक फॉर्मल रिलेशन जो है वो एस्टेब्लिश कर लिए सऊदी अरबिया के साथ। आज की डेट में ये है जो इंपॉर्टेंट इसलिए है, क्योंकि इंडिया का अगर आप टोटल ट्रेडिंग का हिसाब किताब देखेंगे तो सऊदी अरबिया जो है वो इंडिया का टॉप नंबर का फोर्थ लार्जेस्ट जो है वो ट्रेडिंग पार्टनर है। करीबन $28 बिलियन का ट्रेड होता है इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच में। दूसरी बात है, करीबन 2.7 मिलियन जो है इंडियन, यानी कि 27 लाख लोग इंडियन वर्कर्स रहते हैं सऊदी अरेबिया में, और $11 बिलियन का रेमिटेंस भेजते हैं हर साल। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है, 17% जो इंडिया का क्रूड ऑयल का जो रिक्वायरमेंट है वो सऊदी अरेबिया पूरी करता है। अभी तक बहुत दिनों तक सऊदी अरेबिया नंबर वन पे भी रहा था। इस समय कौन सी कंट्री चल रही है नंबर वन पे? इस समय इंडिया सबसे ज्यादा अपनी ऑयल सप्लाई कहां से लेता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए उस कंट्री का नाम। वैसे मुझे पता है, मैं लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। तो उस ये है, ऑयल रिक्वायरमेंट हमारी बहुत ज्यादा पूरी होती है, 17% हम ऑयल रिक्वायरमेंट वहां से पूरी करते हैं, प्लस करीबन 32% जो हमारी एलएनजी रिक्वायरमेंट है वो भी हम सऊदी अरेबिया से पूरी करते हैं। तो ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और देखिए अगर ट्रेड की बात करें तो ट्रेड सरप्लस जो है वो सऊदी अरेबिया की तरफ झुका हुआ है। करीबन $28 बिलियन में $22 बिलियन जो है वो सऊदी अरेबिया हमको इंपोर्ट करता है, मतलब हम उससे इंपोर्ट करते हैं, हमको वो एक्सपोर्ट करता है, लेकिन हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको सिर्फ और सिर्फ $5 से $6 बिलियन का है। तो ये है अभी, और प्लस अभी अगर आप देखेंगे हिस्ट्री से रिलेटेड पूरा एकदम इतिहास उठा के देखें, तो नेहरू जी की विजिट हुई थी, इंदिरा गांधी जी की विजिट हुई थी, मनमोहन सिंह की विजिट हुई थी, मोदी जी की विजिट हुई थी। मोदी जी ऐसे पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने जिनको की सऊदी अरेबिया का हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड होता है वो दिया गया था। जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न होता है, वैसी सऊदी अरेबिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, बताइए उसका नाम क्या है, वो मोदी जी को मिला था। ये इंपॉर्टेंट बात है। प्लस बहुत सारे कीवर्ड्स हम लोग डिस्कस करेंगे, कीवर्ड कौन कौन से हो गए कि आप देखिए, इंडिया का जो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि इंडिया ने चालू किया था फ्रांस के साथ, और जिसका की हेडक्वार्टर भी इंडिया में ही है, गुड़गांव में, जिसका नाम अभी गुरुग्राम है, वो उसमें भी सऊदी अरेबिया ने जो है वो ये बोला है कि पार्टिसिपेट करेगा वो, प्लस जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ाए जाएंगे, ट्रेड बढ़ाया जाएगा। और अभी बस ये कुछ निगेटिव चीजें भी हैं, जैसे सऊदी अरेबिया जो है अगर आप देखेंगे तो प्रो पाकिस्तानी उसका अप्रोच रहता है। इसका ये मतलब है कि जो कश्मीर इश्यू है, कश्मीर जो है मतलब जैसे जो विवाद है उस पर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का स्टैंड सपोर्ट करता है। अभी जैसे उनके जो आए हैं मोहम्मद बिन सलमान, जिनका नाम MBS है पूरी दुनिया में लिया जाता है, उनको कई जगह इंडिया में प्रोटेस्ट भी देखना पड़ रहा है। और दूसरी बात है, कांग्रेस ने भी उसको प्रोटेस्ट किया है कि अभी वो पाकिस्तान विजिट करके आए हैं और उनका इतनी अच्छी तरह से वो भी प्रोटोकॉल तोड़ के, क्योंकि वेलकम किया है मोदी जी ने बाकायदा, वो खुद गए थे। तो ये सब चीजें हैं कीवर्ड्स के, वो देख लेते हैं। आप हिस्ट्री से चालू करते हैं, मैंने एक ओवरऑल समरी बता दी क्या क्या इंपॉर्टेंट इसलिए समझ में आ गया, ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे जो इंडियंस वहां पे रहते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, इंडियन डायस्पोरा के लिए इंपॉर्टेंट है, रेमिटेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस वहां से हम इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, FDI के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस और भी चीजें, जैसे अभी टेररिज्म के खिलाफ जो है सऊदी अरेबिया और प्लस इंडिया का एक जो है व्यू रहता है वो सेम है कि टेररिज्म हम टेररिज्म के खिलाफ है, लेकिन हालांकि जो MBS है उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया, नेम नहीं लिया किसी का, उन्होंने बोला कि हाँ पूरी दुनिया से टेररिज्म को खत्म करना चाहिए। तो उन्होंने भी अपनी तरह से न्यूट्रलिटी मेंटेन रखी, हमने भी हमेशा रखी है, डिप्लोमेटिक रिलेशन में होता है ऐसा
कि जो उनके पाकिस्तान के साथ रिलेशन है उनके इंडिया के साथ जो रिलेशन है वो अलग अलग है। ठीक है ठीक है, जैसे जो एक पर्शियन गल्फ वॉर हुआ था उसमें हमने भी किसी का पक्ष नहीं लिया था। दूसरी तरफ ये एक अफगान में अफगान को जब रशिया ने कैप्चर कर लिया था उस टाइम इंडिया ने जो है रशिया का सपोर्ट किया था और इसलिए कुछ दिनों तक सऊदी अरेबिया के साथ हमारी तनातनी भी रही थी। तो ये सभी है ओवरऑल समरी। आप देखिए हिस्ट्री में क्या है कि नेहरू जी ने विजिट की थी 1955 में, इंदिरा गांधी जी ने 1982 में, मनमोहन जी ने आपकी 2010 में, मोदी जी ने 2016 में, 2006 में अब्दुल्ला यहाँ पे आए थे, दिल्ली डिक्लेरेशन साइन किया गया था 2010 में, रियाद डिक्लेरेशन साइन किया गया था। तो ये तो हो गई हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद डिप्लोमेटिक रिलेशन हमने 1947 से ही बना रखे हैं। मैंने आपको बताया वो बहुत एंशियंट हिस्ट्री में अगर आप जाएंगे मिडिवल हिस्ट्री में तो जो अरब ट्रेडर्स थे वो इधर आते थे, स्पाइस ट्रेड करने आते थे केरल में और साउथ इंडिया में। उनके जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तब तक इन्होंने मोनोपोली पूरा एक अधिकार जमा रखा था। अब इस समय क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए ये सारे कीवर्ड्स मैंने लिख रखे हैं, जितनी भी न्यूज़पेपर्स है सबसे कटिंग कट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सऊदी अरेबिया हमारा टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है, फोर्थ लार्जेस्ट पार्टनर है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है। ठीक है, और सऊदी अरेबिया के लिए भी हम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम उनके टॉप एक्सपोर्ट कंट्री है, वो उनका जो टोटल एक्सपोर्ट है उसमें से टॉप में से है। ठीक है, हमारे 27,00,000 लोग वहां पर रहते हैं इंडियन वर्कर्स और वो $11 बिलियन हर बार रेमिटेंस भेजते हैं। रेमिटेंस के मामले में पूरी दुनिया में कौन सा कंट्री सबसे नंबर वन पे है, वो है इंडिया। ठीक है, इंडिया में पूरी दुनिया में जो इंडियंस रहते हैं अलग अलग देशों में सबसे ज्यादा रेमिटेंस भेजते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और सऊदी अरेबिया से आता है करीबन $11 बिलियन। टोटल ट्रेड हमारा है ये करीबन 28 बिलियन रहा है ये। हालांकि इसमें ट्रेड जो सरप्लस है वो सऊदी अरेबिया की तरफ रहा है, वो लोग 20-22 भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, हम सिर्फ 5-6 कर पाते हैं, तो ये बढ़ाने की जरूरत है। एक और बात है, सऊदी अरेबिया ने इन्वेस्ट किया है $44 बिलियन इंडिया में 2016 से। अब देखिए कुछ जो निगेटिव पॉइंट मैंने बताया कि निगेटिव क्या है कि सऊदी अरेबिया जो है कश्मीर पे पाकिस्तान का व्यू सपोर्ट करता है, ये इंडिया के थोड़ा सा खिलाफ जाता है और ये तनातनी का पॉइंट भी है। और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया का जो क्लोज रिलेशन है पाकिस्तान से, एक्चुअली पाकिस्तान क्या ट्रीट करता है, पाकिस्तान उसको इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर मानता है। तो अभी आपने देखा होगा जैसे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मतलब एकदम बहुत बड़ा ग्रांड वेलकम किया गया था, उनके पीएम इतने बिजी थे कि वो वेलकम के लिए जो ये पुलवामा अटैक पे भी उनका एक स्टेटमेंट नहीं आ पाया। उन्होंने माना भी था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्योंकि हमारे यहाँ विजिट थी, इन्वेस्टमेंट लेना था, इसलिए कोई दुनिया में मर रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं है, हम स्टेटमेंट थोड़ा सा लेट जारी करेंगे। उन्होंने लेट जारी भी किया। पॉजिटिव क्या क्या है कि सऊदी अरेबिया जो है वो एक उसको जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन है उसमें इंडिया की ऑब्जर्वर स्टेटस को सपोर्ट करता है, प्लस सऊदी अरेबिया जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी ज्वाइन करेगा, अभी डिक्लेरेशन में आया है। कई सारे स्मार्ट सिटी जो है इंडिया के कॉन्सेप्ट उसमें भी सऊदी अरेबिया बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। दूसरी तरफ एक बात और है, सऊदी अरेबिया की एक कंपनी है अरामको और एक एडनॉक कंपनी है यूएई, इन दोनों ने मिलकर एक बहुत बड़ा रिफाइनरी का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं रत्नागिरी महाराष्ट्र में लगा रहे हैं, जिसकी की जो टोटल कितनी होगी कॉस्ट $44 बिलियन होगी। और इंडिया की तरफ से IOCL, BPCL, HPCL ये पार्टनरशिप करेंगे इसमें इंडिया की तरफ से। ठीक है, और मोदी जी वैसे पहले प्रधानमंत्री थे जिनको कि साउथ अफ्रीका का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला। उस सिविलियन ऑनर का नाम बताइए क्या है, मतलब उस अवार्ड का नाम जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न होता है। और दूसरी बात, एक और चीज है यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट में, एक और चीज सऊदी अरेबिया हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल करीबन 175,000 जो है इंडियंस जाते हैं हज की यात्रा करने, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखिएगा। उसके अलावा देखिए 2019 के विजिट में 5 एग्रीमेंट पे साइन किया गया है, इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म, हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सॉरी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये इस पे किया गया है। और प्लस कीवर्ड्स अगर आपको लिखने हो किसी भी इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन में आ जाए, क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाई सऊदी अरेबिया इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, अब तो लिख लोगे ना क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है, चलो फिर से काउंट करते हैं। सबसे पहली बात तो हज वाले लोग जाते हैं करीबन 1,75,000, दूसरी बात हमारे करीबन 27,00,000 लोग वहां पे काम करते हैं, $11 बिलियन भेजते हैं हर साल, तीसरी बात इंडिया का जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, चौथी बात इंडिया की 17% ऑयल रिक्वायरमेंट सऊदी अरेबिया पूरी करता है, प्लस करीबन 32% यानी कि 1/3 जो एलएनजी रिक्वायरमेंट सऊदी अरेबिया पूरी करता है। इसके अलावा भी हमारा डिफेंस पे कॉपरेशन हो सकता है, वहां के जो कई सारे इंटेलिजेंस इनपुट है, मिलिट्री इनपुट है, वो हमको साझा कर सकता है जिससे कि टेररिस्ट के खिलाफ जो है एक्शन हो सकता है।
तो ये सारे के लिए इंपॉर्टेंट है। निगेटिव पॉइंट क्या क्या है उनका, जो है पाकिस्तान प्रो पाकिस्तानी अप्रोच, और हमारा भी जो है न्यूट्रल अप्रोच रहता है, इसलिए थोड़ा बहुत तनातनी रहती है दोनों रिलेशन के बीच में। तो ये है बात, ठीक है। तो कीवर्ड्स इसके ये है, स्ट्रेटेजिक मैंने आपको बता दिया, स्ट्रेटेजिक रिलेशन आपको करना है, सिक्योरिटी वाला करना है, डिफेंस रिलेशंस के लिए भी बात करी जा सकती है, एनर्जी का तो मेन है, एनर्जी के लिए तो मेन है ये, फर्टिलाइजर्स में भी हो रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, और बहुत सारे और जो आने वाले हैं इन फील्ड में हो सकता है कॉपरेशन। तो ये है इंटरनेशनल सीरीज का इंडिया सऊदी अरेबिया रिलेशंस का पार्ट। ये इसमें अभी तक मैं इंडिया पाकिस्तान वाला कर चुका हूं, प्लस इंटरनेशनल रिलेशन में किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर देना हो तो क्या क्या कीवर्ड देने चाहिए ये मैं बता चुका हूं। पूरी सीरीज है, प्लेलिस्ट दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें से देख सकते हैं। एक साथ पूरे इंडिया जितने भी देखिए, पूरे दुनिया में जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जिससे इंडिया का एसोसिएशन है किसी तरह से, तो वो सबका एक कंप्लीट वीडियो 2 घंटे का ऑलरेडी यूट्यूब में पड़ा हुआ है हमारे चैनल पे। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। कोई अगर यहाँ पे आपको कुछ कमेंट करना हो तो बता दीजिएगा, वरना फिर ऐसे ही चालू रखेंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इंडिया चाइना का कर देंगे इसके बाद, या इंडिया भूटान का।